ये है हुसैनाबाद स्ट्रीट फूड पार्ट टू। अगर पार्ट वन नहीं देखा तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके जल्दी से वीडियो को लाइक करो और साथ साथ पार्ट वन भी देख लो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में बहुत बहुत खुश होंगे। तो जी जनाब, नेक्स्ट हम पहुंच चुके हैं दिल्ली चार्ट हाउस, जहाँ पे तैयबीस के बिल्कुल आगे वाली लाइन में आप लोगों को मिल जाएगा ये। और यहाँ का ये एम्बियंस है, बाहर का वो चार्ट का इनका कॉर्नर था जहाँ पे चार्ट बनाते हैं, ये इनका एम्बियंस है और अंदर इनका ये किचन था। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे, और हाँ घंटी को ज़रूर दबाना। हाँ जी जनाब, तो अब हम आपको दिखाते हैं ये चाट की मेकिंग थी। हम लोगों ने, हम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो हमने स्पाइसी ऑर्डर की थी चाट, जिसमें इन्होंने दही वगैरह डाला था और थोड़े चने और पापड़ी वगैरह इन्होंने डाली थी। इन्होंने अच्छी तरीके से इसकी मेकिंग की थी, पहले इन्होंने पापड़ी डाली थी, फिर चटनी डाल के मीठी चटनी डाली, दही वगैरह डाला, फिर उसमें ये छोले वगैरह डाले इन्होंने, उसके ऊपर इन्होंने अपने कोई स्पेशल मसाले वगैरह डाले थे और थोड़ा सा नमक ऐड किया था। फिर उसके बाद इन्होंने प्याज वगैरह के साथ इसकी प्रेजेंटेशन की थी, जो कि प्रेजेंटेशन मुझे इतनी कोई खास लगी नहीं थी इनकी। फिर उसके बाद इन्होंने ऊपर से भी थोड़ा सा दही डाल दिया था ये, क्योंकि हम लोगों ने स्पाइसी बोला था तो हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि हमें बहुत मज़ेदार सी और स्पाइसी सी खट्टी मीठी सी चाट मिली थी, लेकिन जब हम लोगों ने ये चाट खाई थी तो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरी नहीं उतरी थी ये चाट, क्योंकि बहुत मज़ेदार तो नहीं कहेंगे, बस सो थी कि अगर आप चाट खाना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ की क्रेविंग नहीं होगी, इतने मज़ेदार नहीं थी, बस पैसा वसूल भी चाट नहीं थी ये। 80 रुपीज़ की ये प्लेट थी, जिसमें मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। हाँ, नॉर्मल खाने वालों के लिए ठीक था, लेकिन ना खट्टी थी ना मीठी थी, बस बिल्कुल बस ठीक ठीक थी, बस आपका दिल खुश नहीं होगा खाकर। अब जी जनाब, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेस पे, जहाँ पे हम लोगों ने खाया था, ये है मक्का आइसक्रीम, जो कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट शॉप है। इसकी दो शॉपें, एक यहाँ पे इसके फ्रंट पे है और एक तैयबीस की लाइन स्ट्रीट जाके है। इनके पास बहुत अलग अलग किस्म की वैरायटीज़ थी, बहुत ही मज़ेदार से इनका, ये अभी मैं आपको इनका ब्रोशर दिखाती हूँ, ये इनका शॉप के अंदर था जहाँ पे मतलब प्रेजेंट करके देते हैं, और ये सामने से मैं आ रही हूँ आपकी बहन के लिए, शिकारे देखें आप। फिर उसके बाद ये इनका एम्बियंस था जो कि बहुत ही मज़ेदार था, यहाँ पे एसी ऑन था और बहुत ही सुकून वाला एम्बियंस था। अगर आप यहाँ पे आइसक्रीम खाने जाते हैं तो आपको बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे आइसक्रीम मिलते हैं, कोई इतनी एक्सपेंसिव प्राइस में नहीं होती यहाँ की आइसक्रीम, तो आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं यहाँ पे आइसक्रीम्स को। तो हम लोगों ने ये एम्बियंस, आप लोग देख लीजिए, बहुत ही कोई मज़ेदार से कलर कॉम्बिनेशन के साथ इनका एम्बियंस था। फिर उसके बाद ये इनका मेन्यू है, जिसमें 70, 60, 80 रुपीज़ की सारी आइसक्रीम्स आपको मिल जाएंगी। हमने ऑर्डर की थी ओरियो चॉकलेट, हमने ये आइसक्रीम की थी ऑर्डर, जो कि फुल पैसा वसूल आइसक्रीम थी, इतनी ज़्यादा इतनी बड़ी मज़ेदार सी आइसक्रीम थी। और ये ड्राई फ्रूट बाउल था जो कि बहुत ही मज़ेदार सा था, और ये चॉकलेट चिप फ्लेवर की आइसक्रीम थी जो कि ये भी बहुत ही मज़ेदार थी। और ये जो हमारा कुछ टोटल बिल बना था ये 250 रुपये का था, 250 रुपये में मुझे नहीं लगता कि इतनी बुरी थी, बहुत मज़ेदार सी थी, फुल पैसा वसूल दिलखुश आइसक्रीम थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। सारे रस्म रिवाज पूरे कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।